हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स के बारे में कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को इनहांस करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के या इम्प्रूव करने के काम में ली जाती हैं, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आशुतोष शुक्ला, और दोस्तों शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक मीन्स कि हम यहां पे किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने यानी बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जनरली जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो होता है वॉटर, बट वॉटर ज्यादातर कंपाउंड्स के लिए वो सॉल्वेंट का काम करता है, यानी ज्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं वो वॉटर सॉल्युबल होते हैं। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि वॉटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले ले यहां पे कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए आपके, और कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स हो गए, नॉन पोलर कंपाउंड, तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी या तो नहीं होती है या तो कम होती है। जैसे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी, और भी बहुत से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी या तो कम होगी या नहीं होगी। तो अगर इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तो हम लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, और लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने के लिए वहां पे हमको उनमें उसको वाटर सॉल्युबल करना होगा ताकि वो जाके हमारी बॉडी में सही तरीके से उसका डिसोल्यूशन हो और ताकि उसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी आए। तो उस सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और कुछ जैसे नॉन पोलर कंपाउंड्स हो गए आपके, नॉन पोलर कंपाउंड में हम जैसे बेंजीन्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होते हैं, ये सब कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, इनकी भी वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है को सॉल्वेंट का यूज करके। इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कौन से व्हीकल्स लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट में हम को सॉल्वेंट्स का भी यूज करते हैं। उसके साथ पीएच को कंट्रोल करके भी किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन जो थर्ड मेथड है आपका, दैट इज सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन मेथड से भी हम सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्सेशन। फिफ्थ वन इज केमिकल मॉडिफिकेशन। एंड सिक्स वन इज पार्टिकल साइज। ये यहाँ पे कुछ छह तरीके के मेथड्स हैं, ये छह इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है आपका को सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट का मतलब है कि यहाँ पे हम को मीन्स एक और सहायक, यानी कि हम यहाँ पे दो सॉल्वेंट लेते हैं। एक सॉल्वेंट ऐसा होगा
कि जिसमें जो भी हमारा अप्रोप्रिएट कंपाउंड है वो उसकी सॉल्युबिलिटी, जैसे कि हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि बेंजीन ये हमारा एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर नेचर का है, यानी कि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, यानी इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे को सॉल्वेंट का। तो बेंजीन की सॉल्युबिलिटी एसीटोन में अच्छी होती है, बेंजीन जो है हमारा ये एसीटोन में सॉल्युबल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेंजीन को सॉल्युबल करेंगे एसीटोन में, फिर यहाँ के एक सॉल्वेंट हमने क्या लिया, एसीटोन लिया। अब एसीटोन में जब बेंजीन हमारा सॉल्युबल हो जाएगा, उसके बाद ये इस नेचर का हो जाएगा, एसीटोन के नेचर का हो जाएगा। अब इस एसीटोन को क्या करेंगे, हम वाटर में सॉल्युबल कर लेंगे, और क्योंकि एसीटोन हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, तो इस मिक्सचर को, ये जो इसका मिक्सचर बनेगा बेंजीन और एसीटोन का, ये सॉल्यूशन जो बनेगा, इस सॉल्यूशन को हम वाटर में सॉल्युबल कर लेंगे। तो यानी कि हमने क्या किया, को सॉल्वेंट यानी दो सॉल्वेंट का यूज करके हमने बेंजीन की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर दिया। तो यहां पे यही कि एक ऐसा सॉल्वेंट हम लेते हैं जिसका जो मिसिबिलिटी हो, यानी कि जिसमें ये कंपाउंड भी मिसिबल हो जाए, और फिर ये सॉल्वेंट जो है हमारा ये वाटर मिसिबल भी हो। और भी बहुत सारे को सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, जैसे वाटर, इथेनॉल, ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज को सॉल्वेंट है आपका। वाटर के साथ हम सॉर्बिटॉल का भी यूज कर लेते हैं। तो यानी को सॉल्वेंट मेथड में हम एक और एडिशनल सॉल्वेंट का यूज करके, अदर देन वाटर एडिशनल सॉल्वेंट का यूज करके हम पर्टिकुलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब दूसरा जो मेथड है आपका, दैट इज पीएच कंट्रोल। पीएच को कंट्रोल करके भी हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये वीक बेसेस हो गए आपके, कुछ वीक बेस या वीक एसिड हो गए, जो अभी हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये वीक बेसेस वीक एसिड्स में आ जाएंगे, तो इनकी सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी अच्छी नहीं होती है। तो इनके पीएच को मेंटेन करके हम इसके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम वीक बेस की सॉल्युबिलिटी को हमें इंप्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पीएच को लोअर कर देंगे। पीएच को, वीक बेसेस की सॉल्युबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसके पीएच को, जो इसका सॉल्यूशन है वीक बेस का, जो सॉल्यूशन हमने बनाया, उसके सॉल्यूशन के पीएच को अगर हम कम कर देंगे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। वहीं वीक एसिड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें पीएच को इंक्रीज करना होगा। तो बाय इंक्रीजिंग द पीएच वी कैन इंप्रूव और वी कैन एनहांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड, एज वेल एज बाय लोअरिंग द पीएच ऑफ वीक बेसिस वी कैन इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक बेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है हमारा मेथड सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन में यहां पे हम यूज करते हैं सर्फेक्टेंट्स का। इन सॉल्युबलाइजेशन मेथड बाय यूज ऑफ सर्फेक्टेंट्स वी कैन इंप्रूव और इनहांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड। अब हमारा ये सवाल आता है कि सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। सर्फेक्टेंट आर द कंपाउंड आर द मॉलिक्यूल जो भी किसी पार्टिकल के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, उन इंटर पार्टिकल जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम कर देते हैं। तो सरफेस टेंशन कम करने की वजह से पार्टिकल का डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे एक मिसल का फॉर्मेशन करके भी हम
सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सर्फेक्टेंट के इसमें यूज में, यहाँ पे जो मिसेल्स होता है इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसकी, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। फिर उसके बाद ये एक अपना पूरा मिसल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, तो जिसके थ्रू हम हाइड्रोफोबिक टेल, ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं वो इसके अंदर इंट्रैप्ट हो जाएंगे, हाइड्रोफिलिक हेड यानी इस जो पूरे कंपाउंड का नेचर हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। सर्फेक्टेंट का ही यूज करके हम इमल्शंस को बनाते हैं, यानी जो ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाते हैं, जो बिल्कुल भी इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है, बट बाई यूज ऑफ सर्फेक्टेंट हम ऑयल को वाटर में मिक्स कर लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम विटामिन लेते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन लेते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन को हम पॉलीसॉर्बेट हमारा सर्फेक्टेंट होता है, इनका यूज करके हम इसकी जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इनकी सोल्यूबिलिटी को इनहांस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सोल्यूबलाइजेशन। एंड नेक्स्ट मेथड है आपका कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। यहां पे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड ये है ए, एक कंपाउंड है बी। अब ए जो है इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, एग्जांपल के लिए हम ऐसे समझे कि ए की वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, बट बी का जो नेचर है यह वाटर सॉल्युबल है। तो ए और बी क्या करेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। अब अटैच होने की वजह से ए की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और हमने जो मेथड का यूज किया कॉम्प्लेक्सेशन फॉर एनहांसमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो हमने क्या किया, बी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ए की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर लिया। बट यहां पे एक प्रॉब्लम भी आती है कि जब ए और बी एक दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हो जाएंगे, यानी इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो बॉडी में मेम्ब्रेन्स हैं उन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिर इनका फर्दर एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा ना हो पाने की वजह से इनकी बायोबिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो जिस कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और या ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल नेचर का होना चाहिए, यानी कि इसको इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के बाद, मीन्स हमने मान लीजिए ईसीएफ में इसको सॉल्युबल किया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वहां पे सॉल्युबलाइज होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक डिसोसिएट हो जाना चाहिए। ए प्लस बी ये दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर ए फर्दर इंक्रीज आगे बढ़ जाएगा, यानी उसकी वो उसका एब्जॉर्प्शन ठीक हो जाएगा। बट अगर ये इनका जो ये रिवर्सिबल नेचर का नहीं होगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो देन ये एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन में यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे मेथड का यूज करते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के का साल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें हाइड्रोकॉर्टिकोसोन का, हम ये हाइड्रोकॉर्टिकोसोन की वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो इसका हम क्या करते हैं, इसका सोडियम फास्फेट साल्ट बना लेते हैं, जिससे कि इसकी सॉल्युबिलिटी को हम हाइड्रोकॉर्टिकोसोन की सॉल्युबिलिटी को हम इम्प्रूव कर लेते हैं। वैसे ही प्रेडनिसोलोन और बेटामेथासोन का भी हम सॉल्युबिलिटी का उनके साल्ट का फॉर्मेशन करके हम उसकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं। वहीं नेक्स्ट मेथड इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज का एकदम सिंपल सा फंडा है, कोई भी कंपाउंड होगा
वो कंपाउंड की जितना छोटा कंपाउंड होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। क्यों? ये सिंपल मेथड है। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, ये आपने एक गिलास पानी लिया, इसमें हमें किसी पार्टिकल को सोल्युबलाइज करना है। अब अगर हमने छोटा पार्टिकल लिया तो ये छोटे पार्टिकल का जो सरफेस कांटेक्ट होगा ये वाटर के थ्रू ज्यादा होगा, यहां पे पूरी तरीके से इसका सरफेस कांटेक्ट हो जाएगा वाटर के साथ। तो जितना ज्यादा सरफेस कांटेक्ट होगा सॉल्वेंट के साथ उतना ही ज्यादा इसका सोल्युबलाइजेशन होगा। वहीं पे हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास वाटर लिया और यहां पे हमने एक बड़ा कंपाउंड, तो ये बड़ा कंपाउंड होने की वजह से इसका इतने जो ये पोर्शन है इसका तो सरफेस कांटेक्ट पूरा हो जाएगा, बट ये जो हमारा एरिया है ये कंपाउंड का ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो यही सरफेस कांटेक्ट कम होने की वजह से इसका सोल्युबलाइजेशन कम होगा और यहीं पे ये छोटे पार्टिकल्स का सोल्युबलाइजेशन अच्छा होगा। तो इस तरीके से पार्टिकल साइज को कंट्रोल करके भी हम सोल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो गाइज ये थे मेथड्स ऑफ सोल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।